हमारे साथ में हैं रोहन शिंदे जी। रोहन शिंदे जी सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एनालिस्ट हैं और आज हमारे साथ में पहली बार जुड़ रहे हैं। रोहन जी, बहुत स्वागत है आपका फाउंडर इंडिया पर। थैंक रोहन जी, आप सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि आप कहाँ से जुड़ रहे हैं, किस शहर से, आपका सफर स्टॉक मार्केट का कब से शुरू हुआ और आपने अब तक चीजें क्या क्या करी हैं, थोड़ा सा बताइए। ओके। मेरा नाम रोहन शिंदे, सीबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मेरा मार्केट का सफर शुरू हुआ 2010 में, जो कि मेरी पहली जॉब थी एज ए टेक्निकल एनालिस्ट। कंटिन्यू फोरेक्स करके काम की छोटी सी निर्मल बैंक की, वहाँ से मेरी जॉब स्टार्ट हुई आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन। और मैं बेसिकली मुंबई से हूँ और टोटल 2010 से लेकर 2016 तक मैंने फुल टाइम ऐसे टेक्निकल एनालिस्ट जॉब की, जिसमें कि फर्स्ट जॉब मेरी एंजल ब्रोकिंग में थी, मैंने सिक्योरिटीज पर थी, और लास्ट जॉब मेरी चॉइस ब्रोकिंग में थी ऐसे सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट। और 2017 में अपना लेने के बाद सर्टिफिकेट लेने के बाद मैंने खुद की फॉर्म स्टार्ट की चार्ट लेवल सकते, जो कि एडवाइजरी और ट्रेनिंग फॉर्म स्टॉक मार्केट। रोहन जी, आपने अपने बारे में तो बताया, लेकिन अब ये बताइए कि मार्केट आपको कैसा दिख रहा है इस समय, और क्या ये जो आधे परसेंट की गिरावट है जो हम अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्या ये आपको डरा रही है या नहीं? सर, डरा रही नहीं है, लेकिन यहाँ पे अलर्ट होना जरूरी है। मेनली तो मैं फोकस करूंगा लेवल्स के ऊपर, क्योंकि मेरे फॉर्म का ही नाम है चार्ट लेवल्स, तो लेवल्स के ऊपर फोकस करते इस लेवल के ऊपर बाजार क्लोज होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। तो आज का जो लेवल है वो रहेगा 15,775, इसके नीचे क्लोज होगा तो ही फर्स्ट साइन रहेगा कि बाजार यहाँ से कमजोरी ले रहा है। जब तक आज का डेली क्लोजिंग 15,775 के नीचे नहीं होगा, तो हो सकता है बाजार वापस से अपने ऊपर की तरफ नए हाइज की तरफ बढ़ जाए। तो क्लोजिंग होना काफी इम्पोर्टेंट है 15,775 के नीचे। ठीक है, ये लेवल्स हैं और रोहन जी का मानना है कि हो सकता है केवल इतनी ही सुस्ती और इतना ही करेक्शन के बाद में वापस बाजार ऊपर की तरफ चल दे। ठीक है, रोहन जी, आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ लेकर के आए हैं आज, कोई शेयर हमारे साथ में शेयर करना चाहेंगे? जी हाँ, मैं शेयर करना चाहूंगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड के ऊपर, वॉच कर सकते हैं। इसमें कंसोलिडेशन के बाद अभी ये जो शेयर है डायनामिक लिमिटेड, ये कुछ आने वाले दिनों में अपट्रेंड में जा सकता है, तो इसके ऊपर आपके दर्शक जो भी है वो वॉच कर सकते हैं। एक कंसोलिडेशन के बाद अपट्रेंड में जाने की पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं बीडीएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड कर। ठीक है, बीडीएल भारत डायनामिक्स में कह रहे हैं कि शायद अपट्रेंड में जाने की तैयारी कर रहा है। सर, क्या लेवल्स देंगे? लेवल अभी इसी लेवल पे, इसी रेंज में रहेगा बाय करने के लिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस ले सकते हैं आप 3335 का, 335 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 425 का, दूसरा टारगेट रहेगा 475 का, और आगे तक हमें 500 के ऊपर के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले 4 से 6 महीने में। 4 से 6 महीने में 335 का स्टॉप लॉस और 475 से 500 तक। जी रोहन जी, यही कह रहे हैं? यस यस, 500 तक जा सकता है आने वाले 6 महीने में। आने वाले 4 से 6 महीने में 475 से 500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 335 का स्टॉप लॉस लगा करके इसको खरीदा जा सकता है, करंट लेवल्स पे भी ले सकते हैं। भारत डायनामिक्स बीडीएल एक बाय कॉल देते हुए रोहन शिंदे जी। ठीक है सर, इसके अलावा कुछ और कोई चीज? इसके अलावा फिलहाल तो बहुत सारे स्टॉक ऑलरेडी हाई के पास चल रहे हैं, तो इसको तो ठीक है, तो जिसमें आ सकती है अप ट्रेंड मूवमेंट, मैंने वही स्टॉक जो अभी इसको रिकमेंड किया है। और एक स्टॉक है जिसके ऊपर मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, वो है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर, यस सर, हिंदुस्तान कॉपर। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर में क्या लेवल्स दे रहे हैं और क्या देख रहे हैं सर? हिंदुस्तान कॉपर में आपको फिलहाल वही थोड़ा बाय वन डिप्स भी आप कर सकते हैं 140-135 के लेवल्स तक। स्टॉप लॉस आपको 120 लेना पड़ेगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। आने वाले समय में ये हमें 200 और 225 250 के लेवल्स तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें एक मेजर ब्रेकआउट आया है मंथली चार्ट के ऊपर और काफी बड़ा ब्रेकआउट आया है, तो ये निफ्टी से उतना रिलेटेड नहीं रहेगा। हालांकि निफ्टी में अगर आगे जाके बड़ा करेक्शन आता है
फंडा करेक्शन नहीं रहेगा, और ये जो मेन कॉपर की अगर मैंने कमोडिटी चार्ट्स की पे बात की तो कॉपर का भी एक साइकिल चेंज हुआ है अप ट्रेंड के लिए, तो ये स्टॉक आउट परफॉर्म ही करेगा मार्केट को। ठीक है, मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा, गिरावट में गिरेगा नहीं, ये बहुत जरूरी है इस समय ऐसे मौके और ऐसे स्टॉक्स ढूंढने का कि जब करेक्शन आता है मार्केट में तो उसमें जो गिरे नहीं, तो ये ऑलरेडी शायद उसको फैक्टर इन कर चुका है और उसके आगे चल रहा है। सर इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे दे रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर में? इसमें 120 तक के लेवल का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, हो सकता है मार्केट में गिरावट आए हाँ, तो और ठीक है 15 से 10 रुपए ये करेक्शन आ सकता है, लेकिन वहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। जी तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है, लेकिन उसका रीजन भी है कि कह रहे हैं कि अगर गिरावट में अगर खिसकता है तो 120 तक के स्टॉप लॉस के साथ में काम करिए, 200 से 250 तक के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है। ये भी सर ये 4 से 6 महीने का नजरिया? जी हाँ, 4 से 6 महीने का लगेगा। वैसे तो ये लॉन्ग टर्म में और जा सकता है 300 to 400। ठीक है, उसके ये रहेगा साल भर या ठीक है, 4 से 6 महीने के लिए कम से कम 200 से 250 तक के टारगेट्स, और उसके आगे के लिए भी लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको लिया जा सकता है कह रहे हैं रोहन जी। तो ये दो स्टॉक्स हमें दिए हैं BDL और हिंदुस्तान कॉपर। बढ़िया सर, कुछ एक सवाल ले लेता हूँ दर्शकों के, डॉक्टर रेड्डीज पे आपका व्यू चाहिए है, बाय प्राइस है 4200 का, होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? ₹4,200 की खरीद है इनकी ऑलरेडी। होल्ड करना चाहिए या एग्जिट? तो होल्ड कर सकते हैं सर, होल्ड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं डेली चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे एक थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस का लेवल भी है 5400 से लेकर 5500 के बीच में, तो वहाँ पे थोड़ा यहाँ पे एक बार ये प्रॉब्लम भी, तो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आ सकता है, तो एक बार के लिए अगर प्रॉफिट में है इन्हीं लेवल के ऊपर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये 5400 से लेके 5500 में थोड़ा रेजिस्टेंस है इस स्टॉक के लिए। ठीक है, ये राय है रोहन जी की कि रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास ही है, यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर लें, क्योंकि हो सकता है कि ये अभी थोड़ा सा यहाँ पे रुकेगा, दोबारा एंट्री के मौका मिल सकता है बाद में, अभी फिलहाल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की राय है। ठीक है सर, ओवरऑल बैंक निफ्टी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने पहले पार्टिसिपेट नहीं किया था, अभी करीब करीब दोनों में गिरावट बराबर है, जितनी निफ्टी की है 0.5% ऑलमोस्ट उतनी ही है बैंक निफ्टी की, लेकिन ओवरऑल में बैंक निफ्टी शायद पहले से उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था या पहले से डाउन साइड पे लीड कर रहा था, तो क्या आपको लगता है कि बैंक निफ्टी और नीचे खिसक सकता है और बैंकिंग में बैंक के सेक्टर में कुछ शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बनेंगी? जी हाँ जी हाँ, बैंकिंग सेक्टर भी एक्चुअल में वीक की बात करूँ तो उसमें जो सबसे कमजोर या निफ्टी को जो आगे जाके नीचे लेके आ सकता है वो बैंकिंग सेक्टर भी, तो यहाँ पे आपकी दर्शकों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर किसी का बैंकिंग स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट है तो उनको प्रॉफिट बुकिंग का सोचना चाहिए और ना कि नए इन्वेस्टमेंट को लेना चाहिए, और बैंक निफ्टी लैगर कर रहे हैं निफ्टी को और सबसे ज्यादा वही फॉल कर गया, एक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए हो रहा है 33,800 के आसपास के लेवल, तो वीकनेस तो है बैंक निफ्टी में कंपेरेटिवली, और तो थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए बैंक निफ्टी के लिए बाय के लिए, बाय करने के लिए, तो बाय का रिकमेंडेशन मैं बैंकिंग स्टॉक में नहीं करूँगा, इसको किसी भी बैंक शेयरों से दूरी रहना चाहिए। ठीक है, ये राय है रोहन जी की बैंक निफ्टी और बैंक से बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स पे। सर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं नेस्ले पे, एक सवाल है प्रियंजलि घोष जी पूछ रही हैं कि इतना महंगा स्टॉक है क्या ये और ऊपर जा सकता है और महंगा हो सकता है? देखिए नेस्ले जो है एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, तो वो तो इसके हिसाब से रहेगा कि अगर उनको इसी लेवल पे, लेकिन हाई पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और बहुत सारे स्टॉक भी है बाजार में जो उतने महंगे भी नहीं है और वो रिटर्न भी दे सकते, दो स्टॉक तो मैंने आपको बता दिए,
करना चाहूंगा क्योंकि वो भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहे थे, अवॉइड करना चाहिए नेस्ले को। ठीक है, ये राय है नेस्ले पे। तो कहने का मतलब ये है कि रोहन जी ये कह रहे हैं कि स्टॉक अच्छा हो सकता है, स्टॉक के अंदर में पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन अच्छा तरीका ये, अच्छा स्ट्रेटेजी ये है कि किसके अंदर में और ज्यादा पोटेंशियल है तो वो वाला स्टॉक खरीदिए, ना कि ऐसा स्टॉक जो कि ठीक है थोड़ा सा ये भी ऊपर जा सकता है लेकिन इससे कहीं ज्यादा परसेंटेज के फॉर्म उसमें अगर कैलकुलेट करेंगे आपकी कितना ज्यादा आप मुनाफा कमा सकते हैं, तो हो सकता है इसमें स्कोप कम है और कहीं और ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो सिर्फ ये डिफरेंस है कि अच्छा और खराब नहीं है, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन सा या ज्यादा मुनाफा किस में, स्कोप किस में ज्यादा है, क्यों ना उसको खरीदा जाए। तो ये एक राय है सर। एक चलते चलते एक और सवाल है आरके फोर्ज पे। ओके, मैं चार्ट चेक कर लेता हूं इसका, आरके फोर्ज जी। रामकृष्णा फोर्जिंग पे सवाल है कि क्या और खरीदा जा सकता है, 5000 शेयर्स ऑलरेडी हैं इनके पास 600 रुपए के भाव पे। मैं भी इसमें ऑलरेडी बहुत अच्छी अपनी आ चुकी है और थोड़ा सा भी स्टॉक कंसोलिडेशन में है, तो एक बार मैं वापस से इसमें वही कहना चाहूंगा कि प्रॉफिट बुकिंग टाइप आप देख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा और खरीदने के इस लेवल पे। ठीक है, एक बड़ी बढ़ा है। जी जी रोहन जी बताइए। लेवल से खरीदा के लिए फिलहाल कोई सपोर्ट के पास आना चाहिए और जो मुझे इसका एक विजिबल सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो काफी नीचे पे है, वो है 555 का लेवल है सपोर्ट का, तो वहां पे हम लोग एक बार सोच सकते हैं लेकिन उससे काफी ऊपर है तो अभी फिलहाल अवॉइड करना चाहिए खरीदने के लिए। ठीक है, ये राय है आरके फोर्ज पे रोहन शिंदे जी की। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोहन जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, फिर आएंगे आपके पास में और अगली बार कोशिश करेंगे कि हम ऑडियो वीडियो आपसे पहले से चेक भी और कर लें और बेहतर कर लें, जिससे कि और बेहतर तरीके से आपको हम सुन सकें देख सकें, तो उस पर भी काम कर लेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।